नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियां, जिनमें हम मारवाड़ की लोक देवियां पढ़ रहे थे, और आज हम पढ़ेंगे नागनेची माता। कौन सी माता? नागनेची माता। नागनेची माता, देखो इसके हम रियल नाम की बात करें तो इसका रियल नाम था चरकेश्वरी माता। रियल नाम क्या था? चरकेश्वरी माता, चरकेश्वरी माता। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे? नागनेची माता। रियल नाम क्या है? चरकेश्वरी माता। ठीक है, हम अब इनकी मूर्ति के बारे में बात करें तो इसकी मूर्ति, ये मूल स्थान तो इनका कहां था? कर्नाटक। कहां? कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक था मूल स्थान इनका। और एक राजा था, आप नाम सुना होगा मारवाड़ में, राव सिया। क्या? राव सिया एक राजा हुआ था राठौड़ वंश का। राव सिया जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है राठौड़ वंश का। ठीक है, उसके समय एक दुहड़ दुहड़ राजा था। क्या? दुहड़ दुहड़ राजा था। और उसके समय दुहड़ राठौड़, इसका क्या नाम था? दुहड़ राठौड़, ये राजा था। किसके समय? राव सिंहा के समय। उसके समय लुब ऋषि एक ब्राह्मण था। क्या नाम था उसका? लुब ऋषि ब्राह्मण था। लुब ऋषि किसके समय? राव सिंहा के समय एक दुहड़ राजा था, और उसके समय एक ब्राह्मण था, लुब ऋषि ब्राह्मण था। वो लेकर आया था इस मूर्ति। कौन लेकर आया था? लुब ऋषि ब्राह्मण लेकर आया था। कहां से? कर्नाटक से लेकर आया था। ठीक है दोस्तों, यहां तक आई बात समझ में? दोहड़ राठौड़ ने इसको स्थापना करवाई। कहां पे करवाई? इसकी स्थापना करवाई दोहड़ राठौड़ ने। कहां करवाई इसकी स्थापना? किसकी? इस मूर्ति की स्थापना, नागनेची माता की मूर्ति की स्थापना कहां करवाई? इसकी करवाई नगाना गांव। कौन सा गांव? नगाना गांव। और कहां पड़ता है ये नगाना गांव? ये पड़ता है बाड़मेर में। नगाना गांव बाड़मेर में इसकी स्थापना करवाई मूर्ति की। ठीक है दोस्तों, इसको मेन और इंपोर्टेंट चीज क्या है? इसको राठौड़ वंश प्रारंभ से ही मानते आ रहे हैं। किसको? इसको। ठीक है, नगाना में जो मूर्ति है नागनेची माता की, वो 18 भुजा की है। कितनी भुजा की है? 18 भुजा है इसकी, 18 हाथ है इसके। ठीक है, 18 हाथों की भुजा है। और काष्ठ मूर्ति है। क्या है खास बात? क्या है इसकी? काष्ठ मूर्ति है, जैसी थी वैसी ही है अभी तक है। इसके ना तो कोई दीमक वगैरह कुछ भी नहीं लगा, जैसी थी वैसी है। काष्ठ की मूर्ति है, 18 भुजाओं की मूर्ति है, नगाना गांव बाड़मेर में, नागनेची माता की। ठीक है दोस्तों, इसको राठौड़ वंश प्रारंभ से ही मानते आ रहे हैं। शुरू से ही इसको मानते आ रहे हैं राठौड़ वंश, प्रारंभ से ही इसको मानते आ रहे हैं नागनेची माता को। राठौड़ वंश प्रारंभ से ही इसको मानते हैं, किसको? नागनेची माता को। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गई? राठौड़ों की कुल देवी हो गई। राठौड़ों की क्या हो गई? कुल देवी। कुल देवी कौन है? नागनेची माता। नागनेची माता क्या है? राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो होता क्या है। 1459 में मेहरानगढ़ जोधपुर बसा। ठीक है, 1459 में बसा राव जोधा ने। राव जोधा जो वास्तविक संस्थापक थे, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और युद्ध के मेहरानगढ़ दुर्ग में, ये मेहरानगढ़ दुर्ग कब हुई स्थापना? 1459 में। और यहां पड़ता है नगाना गांव। कहां? बाड़मेर में। अब देखो, जो कुलदेवी होती है, चाहे तो घर में बच्चा पैदा हो, चाहे शादी हो, कुछ भी हो, तो हम किसकी धोक लगाते हैं? कुलदेवी की लगाते हैं। और राठौड़ के जो राजा थे, वो युद्ध करने कहीं भी जाते तो पहले इसकी धोक लगाते थे। ठीक है, तो होता क्या था कि पहले तो राजा महाराजाओं की बहुत रानी होती थी, हर महीने शादी होती थी, हर महीने बच्चा पैदा होता था, बहुत मेहनती होते थे। तो बच्चा पैदा होता तो
यहां से वो मेहरानगढ़ से चलकर कहां थे? नगाना गांव दोग लगाने के लिए। और बार बार जब यहां से चले दोग लगाने के लिए, राजा और उसके साथ सेना भी जाती, दो तीन महीने लगते जाते समय। तो ऐसे करते करते जब वापिस आते तो यहां पता चलता है कि एक बच्चा और हो गया, तो फिर वापिस इधर जाना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, इस मूर्ति को जो नगाना गांव में थी, राव जोधा के बेटा राव बिका, राव जोधा का जो बेटा था, राव जोधा का कौन था, राव बिका, जिसने बीकानेर की स्थापना की थी, वो क्या करता है, राव बिका क्या करता है कि भाई रोज रोज जाना ना पड़े और दूर भी पड़ता है, जिसने बीकानेर बसाया था राव बीकानेर, वो मेहरानगढ़ दुर्ग में लाके इसको स्थापित करता है। कहां से करता है, इस नगाड़ा गांव से मूर्ति को लाके कहां स्थापित कर देता है, ये लो मिंदर, इसका मंदिर बना दिया। कहां बना दिया, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नगाड़ा गांव से मूर्ति लाके राव बीका ने कहां स्थापित कर दिया, इसको मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित कर दिया, ताकि रोज रोज जाना ना पड़े और दूर भी पड़ता था तो रोज रोज वहां जाया भी नहीं करता था, ठीक है, जाया भी नहीं जाता था। और इसकी खास बात क्या है, और इसकी खास बात है कि इस माता का जो मंदिर होता है वो नीम के वृक्ष के नीचे होता है, नीम के वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है दोस्तों, जैसे गोगा जी का खेजड़ी के नीचे मंदिर होता है, मेड़ी होता है, वैसे ही नीम का वृक्ष इनके, नीम के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है, ठीक है। और राठौड़ हमेशा ही नीम के पेड़ की रक्षा करते हुए आए हैं, ठीक है। और इनका लोगो प्रतीक क्या है, प्रतीक किनका, नागनेची माता का, तो इनका प्रतीक है शयन पक्षी, शयन पक्षी इनका लोगो है, या बाज बोल दो इसको, क्या बोल दो, बाज बोल दो या शयन पक्षी बोल दो, इनका क्या है, लोगो है, प्रतीक है इनका, ठीक है। पुजारी, ध्यान में रख लेना, कभी पूछा तो नहीं है लेकिन ध्यान में रखना, पुजारी ऐसा मानते हैं, पुजारी जो इनकी पूजा करता है, नागनेची माता की जो पूजा करता है, वो सात घंटे का एक डोरा पहना हुआ रहता है गले में, ठीक है, सात घंटों का डोरा पहना रहता है और पूजा करते समय वो पहना रहता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखना क्या पढ़ रहे हैं, मारवाड़ की कुलदेवी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने नागनेची माता ली है। नागनेची माता का रियल नाम क्या मिलता है, चक्रेश्वरी माता मिलता है। मूर्ति कहां से, कर्नाटक से लाए, कौन लाया, राव सिया का दौड़ के समय एक लोग ऋषि ब्राह्मण था, वो लेकर आया था। 18 भुजों की मूर्ति है, काष्ठ की मूर्ति है, काष्ठ मूर्ति है। और नगाड़ा गांव बाड़मेर में थी, मेहरानगढ़ में किसने ला के स्थापित की, राव बिका ने की। इनका पेड़ किसके नीचे होता है, नीम के वृक्ष के नीचे होता है। राठौड़ों की कुलदेवी है, राठौड़ वंश हमेशा ही इसको प्राणों से मानते आ रहे हैं। शयन पक्षी या बाज इनका क्या है, प्रतीक है, इनका लोगो है, ठीक है दोस्तों। नगाड़ा गांव में थी, मेहरानगढ़ दुर्ग में लाके इसका मंदिर बनवाया, किसने बनवाया, राव बिका ने बनवाया, ठीक है दोस्तों। अगली नेक्स्ट वीडियो में।